तो भाई बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं कि भैया सीईटी के साथ हम लोग बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। ट्वेल्थ तो चलो धीरे धीरे हो भी जा रहा है, सीईटी का तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो बोर्ड्स की एक्सरसाइज रह जाती है। आखिर क्या करना चाहिए हमें? तो बेसिकली आपकी दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो आ गया हूं मैं। अब मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा कि आप लोगों को सीईटी और बोर्ड्स एक साथ कैसे करना है। सीईटी को बोर्ड्स के लिए कमजोरी नहीं बनानी है, सीईटी को बोर्ड्स के लिए अपनी ताकत बनानी है, या बोर्ड्स को सीईटी के लिए अपनी ताकत बनानी है। ठीक है, तो आज मैं आपको इन दोनों को अलग अलग नहीं, इन दोनों को साथ में करना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को अलग अलग पढ़ोगे ना तो फिर अलग ही हो जाओगे, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी दे दूंगा, परफेक्ट मास्टर प्लान दे दूंगा, जिससे आपका सीईटी आराम से हो जाएगा बोर्ड्स के साथ, और आप 99.9% से ज्यादा लेकर आओगे। तो बेसिकली आपको देखो करना कैसे है। सबसे पहली बात, अच्छा देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जेसीसी सीरीज कब रिज्यूम होगी। तो यार टेंशन मत लो, तो जेसीसी सीरीज में जल्दी से जल्दी रिज्यूम करूंगा, आई विल बी बैक, टेंशन मत लो। एक बार हम लोगों ने अगर कंटिन्यू किया तो फिर हम लोग रुकेंगे भी नहीं, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं। ये कुछ वैसा हो गया ना कि भाई इंसान चार कदम आगे नहीं, शेर चार कदम आगे बढ़ाने से पहले दो कदम पीछे लेता है। अब जो भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब मैनेज करो, बाकी हम लोग वापसी करेंगे, बहुत ही तगड़ी वाली वापसी करेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अच्छा, आप देखो यहाँ पे कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं, भैया सीईटी विद बोर्ड्स बता ही रहे हो तो जेईई विद बोर्ड्स बता दो ना, वो भी रेगुलर कॉलेज के साथ। बेटा रेगुलर कॉलेज के साथ एक ही चीज़ हो पाती है, और वो है बोर्ड्स, ठीक है, या तो जेईई, दोनों हो नहीं हो पाएंगे तुमसे। अगर तुम रेगुलर कॉलेज जाते हो तो कॉलेज से आने के बाद सिर्फ जेईई करो, बोर्ड्स कर लेंगे एक महीने पहले, छोड़ो। और अगर तुम रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हो तो भी तुम सिर्फ जेईई का ही पढ़ो, सिंपल सा फंडा है। लेकिन सीईटी और बोर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है ना कि मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से बता सकता हूँ। देखो तो टाइम पास नहीं करते हैं, और समझते हैं तो सीईटी को आप लोग बोर्ड्स के साथ कैसे कर सकते हो। सबसे पहली बात कि सीईटी के सिलेबस को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया है, सीईटी के पेपर को आपने अगर अच्छे से देखा है, तो उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, इवन बायो भी, उसका लेवल अभी उतना ऊपर गया नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ बायोलॉजी के बारे में, तो जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं बायोलॉजी के, लेकिन मैं जज करने में, हो सकता है आप मुझे गलत समझो जज करने में एज अ पीसीएम स्टूडेंट, तो जहां तक मैंने देखा है फिजिक्स केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी भी हो, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मतलब एक तरीके से जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उससे रिलेटेड होते हैं। मतलब वो तुमसे वही हाइट पूछ लेंगे, रो जी कॉस थीटा ये सब दे दे के। तो मतलब जैसे फिजिक्स हो गया तो इसमें तुमसे चिंदी चिंदी क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, भैया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो, बाकी डेटा दे देंगे, रो दे देगा, एच दे देगा, आर दे देगा, है ना। अब तुमसे फिजिक्स में ही वो चलो एंगल ऑफ बैंकिंग पूछ लेंगे, या सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ लेंगे, या फ्रिक्शन पूछ लेंगे, या म्यू की वैल्यू पूछ लेंगे, बहुत ही चिंदी चिंदी चीज़ें पूछते हैं वो। डुअल नेचर में चले गए तो तुम चलो वो वर्क फंक्शन पूछ लेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है जो कि तुम्हें बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो आपकी जो बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक है ना, अगर सिर्फ वो तुम करके जाते हो उसमें, ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं कि भैया क्या हमें एनसीईआरटी भी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी के बहुत सारे सॉल्ड एग्जांपल से पूछ लेते हैं। भैया एनसीईआरटी के जो सॉल्ड एग्जांपल हैं वो तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इतना टाइम है, कर सकते हो वैसे, अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन तुम अगर ये भी करोगे ना तो भी हो जाएगा। केमिस्ट्री में भाई क्या पूछ लेते हो तुमसे, इनऑर्गेनिक में तो ये सब पूछते हैं सल्फर कौन से ग्रुप का है, मेरे पेपर में आया था भाई, क्या मतलब मैं गलत कर गया, चुप रहो यार, पूरा सही किया था, सोलवें ग्रुप का है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक में सिंपल सिंपल रिएजेंट्स पूछ लेता है, ये रिएजेंट का क्या काम है, ये रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट है। बताया तो ऐसे जैसे ऑर्गेनिक का बहुत ज्ञान हो ना मुझे, दोज हू नो। एनीवेज, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सिंपल सिंपल वो तुम्हें डेटा देके कुछ डेंसिटी पूछ लेगा, मॉलिकुलर मास दे देगा, नंबर ऑफ एटम दे देगा, मॉलिकुलर मास दे देगा, बीसीसी एफसीसी बता देगा तुम्हें, हो गया, एचएलएम दे देगा, निकाल लो आप डेंसिटी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। बायोलॉजी होगी तो बायोलॉजी में वन लाइनर पूछता है। तो अगर आप एनसीईआरटी रीड किए हो या अपने बोर्ड्स की बुक रीड किए हो तो हो जाएगा आपका बायोलॉजी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको करना कैसे है, सबसे पहली बात, आप लोगों ने में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैथ पर मैं बाद में आऊंगा, मैथ का तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, सीईटी के लिए कोर्स परचेस कर रखा होगा, ठीक है। अब सीईटी के लिए अगर तुम कोर्स परचेस करते हो तो उसमें बेसिकली तुम्हें बोर्ड्स भी पढ़ाया जाता है और सीईटी भी पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, विश्वास नहीं करोगे, तुम्हें उसमें जब पढ़ाया जाता है ना तो तुम्हारा जो माइंडसेट होता है वो सीईटी के तरीके से होता है। तो मेरी बात मानो ना, तुम बोर्ड्स के लेक्चर देखो, अब तुम पूछोगे आपकी बात क्यों माने, क्योंकि मैंने जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया है ना वो सीईटी लेवल ही पढ़ाया है। अगर तुम फिजिक्स का मेरा कोई चैप्टर उठाकर देखते हो तो उसमें जो भी मैं डेरिवेशन कराता हूँ एकदम बढ़िया से कराता हूँ, बोर्ड से कराता हूँ, बोर्ड्स की तरह, और उसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, इवन जेई में जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनके बारे में भी जब मैं चर्चा करता हूँ तो उससे आपको एक अच्छी ग्रिप मिल जाती है उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो आप बोर्ड्स के लिए आप मेरे लेक्चर देखो, और लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है, लेक्चर्स आपने देख लिए, अब लेक्चर्स को देखने के बाद आप उसकी एक्सरसाइज करोगे ही, तो एक्सरसाइज को करो, उसके बाद स्टेप्स बता रहा हूँ। पहला स्टेप, आप लेक्चर्स देखो, ठीक है। तो आप क्या करो, आप बोर्ड्स के लिए पहले लेक्चर देखो, ठीक है, लेक्चर्स देखने के बाद आप उसकी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज तो करोगे भैया, उसमें जो न्यूमेरिकल होंगे वो सब सॉल्व करोगे ही। अब तीसरी चीज़ आप क्या करो ना, आप सीधा जंप कर जाओ एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस पर, और जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो उसमें से आई अश्योर यू कि 10 में से आपसे 5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्यों?
क्योंकि 10 में से 5 क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, आपके दिमाग का एप्लीकेशन का यूज करते हैं वो, और वो चैप्टर को सीखते ही नहीं आ जाता है तुम्हें। अब कोई स्किल तुमने नई नई सीखी है, मान लो तुमने हेडशॉट मारना अभी अभी सीखा है, तो ऐसा थोड़ी तुम कल को ही मारने लगोगे। लेकिन ये बात भी नोन है कि अगर तुम इस हेडशॉट को डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आज से 30 दिन बाद तुम 10 में से 8 मारोगे। तो कोई चैप्टर तुमने नया नया सीखा ऐसा थोड़ी उसमें आज ही मास्टर बन जाओगे भाई। आज तुम 10 क्वेश्चन करोगे 5 ही बनेंगे, गारंटी लेता हूं मैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझना तुम्हें कि लेक्चर में खराब पढ़ाया ऐसा वैसा। PYQ खोलो, PYQ में गारंटी लेता हूं कि 10 में से 8 बनेंगे, फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी बनेंगे। तो तुम्हें करना क्या है, लेक्चर्स देखने हैं, बोर्ड्स वाले मेरे देख लो, नहीं मेरे ही देखो। और अगर तुमने कोई कोर्स परचेज कर रखा है उसमें हो सकता है भाई टीचर CET लेवल पढ़ाते हो, लेकिन मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ उन लेक्चर्स से, ठीक है। हो सकता है उसमें मतलब जो भी है, लेकिन माइंडसेट तुम्हारा फिर CET की तरह हो जाता है, तो वो माइंडसेट ना ऑब्जेक्टिव टाइप चलने लगता है, फिर वो बोर्ड्स टाइप नहीं रह जाता है तुम्हारा माइंडसेट। बोर्ड्स का लेक्चर देखो ताकि एटलीस्ट तुम्हारा बोर्ड्स में भी अच्छा हो स्कोर। और एक्सरसाइज वगैरह को तब मैं मतलब बेसिकली सॉल्व एग्जांपल भी कराता हूँ, न्यूमेरिकल भी कराता हूँ। जैसे मैंने कोई कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट पे कोई सॉल्व एग्जांपल है तो वो करा दिया, पीछे एक्सरसाइज में कोई न्यूमेरिकल है वो भी करा दिया, ऐसा करता हूँ, है ना। तो बोर्ड्स का पहले लेक्चर देखो, फिर एक्सरसाइज करो, फिर MHT CET का क्वेश्चन सॉल्व करो, और फाइनल स्टेप आखिरी हथौड़ा PYQs करो। इतना अगर तुम किसी चैप्टर के लिए कर लेते हो ना, वो चैप्टर तुम्हारा रेडी हो जाएगा MHT CET के लिए। सेम थ्योरी तुम्हें अप्लाई करनी है केमिस्ट्री में, सेम थ्योरी तुम्हें अप्लाई करनी है फिजिक्स में, बायोलॉजी में भी तुम सेम चीज़ कर सकते हो। हालांकि बायोलॉजी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, यू नो द रीज़न क्यों नहीं बोलूंगा। ऐसा नहीं मेरे पास ज्ञान नहीं है बायो का, देता नहीं हूँ, लोग भरोसा नहीं करेंगे। एनीवेज, तो ये हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इससे बढ़िया स्टडी तुम्हें कुछ मिल ही नहीं सकती है। अब इससे हुआ क्या कि तुमने ना बोर्ड्स और CET को अलग अलग नहीं पढ़ा, तुमने बोर्ड्स का यूज़ किया CET में। यही तो करते हैं भाई सब। अब मैंने देखो CET के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, ठीक है। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन हो सकता है कुछ नए व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हो। मैंने CET के लिए कोई प्रिपरेशन की थी, मैंने आखिरी जो मतलब CET के टाइम पे मैंने कुछ 5 PYP सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर पेपर 5 या 4 ही सॉल्व किया होगा, और आखिरी पेपर मैंने सॉल्व किया था 10 मई को। 10 मई भी नहीं यार, आखिरी पेपर मैंने सॉल्व किया था 3-4 मई को सॉल्व किया होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा फिर SAT का एग्जाम हुआ और मैं कोटा चला गया 4 जून को, 4 जून से क्लासेस थी मतलब, तो मैं कोटा चला गया। उसके बाद 2 जून को मैं कोटा पहुंच गया, एंड आफ्टर दैट मतलब हमारी कोटा की क्लासेस शुरू हो गई, और मैं बस काइनामेटिक्स, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स और मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग यही कर रहा हूँ 2 महीने से, क्योंकि वहाँ पे पहले शुरू में सिलेबस स्लो चलता है, यही कर रहा हूँ मैं। तो बाद में पता चलता है कि भाई 6 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम है, तो 6 अगस्त को मेरा MHT CET का एग्जाम था, तो ऐसा पता चला मुझे, तो बोला मैं क्या ही कर सकता, अब तो कुछ वो ही नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, एग्जाम से 2 दिन पहले जब मुझे कोटा से 5 अगस्त को निकलना था, 6 अगस्त को पेपर था, 5 अगस्त को मुझे निकलना था, तो बेसिकली मैंने क्या किया, सिर्फ उसके 2 दिन पहले से फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, एक बार वेक्टर्स के फॉर्मूले, लाइन प्लेन के फॉर्मूले, यही सब किया बस। उसके बाद मेरा 96% आया, ठीक है। कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई PYP नहीं, कोई PYQ नहीं, कुछ नहीं किया, आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने बोर्ड्स के लेक्चर बहुत अच्छे से कर रखे थे, और अगर तुमने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तो CET में तुम्हारा 95 प्लस वाली पोटेंशियल एनर्जी अभी से है, तुम्हें ज़रूरत है बस थोड़ा सा और इकट्ठा करने की। अब सपोज करो मतलब मैं उस समय कोटा ना जाके अगर यहीं पे रह के 3 महीने पढ़ता तो ऑब्वियसली 99 पार हो जाता, लेकिन वो भी मेरे लिए उतना ही यूजलेस होता जितना 96 है, ठीक है। तो बेसिकली बोर्ड्स अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो CET में आपको फिर ज़्यादा लोड रहेगा नहीं, और आधी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगी, 90 तो यूं ही पार कर दोगे। और अगर किसी कोई बंदा मुझे आके बोलता है कि भैया मैंने तो बोर्ड्स को अच्छे से किया था, मेरा तो 90 भी पार नहीं हुआ, वहीं साबित कर दूंगा कि उसका बोर्ड्स अच्छे से नहीं हुआ था। क्योंकि अगर उसका बोर्ड्स अच्छे से हुआ है ना, तो उसे ये बेसिक वाले क्वेश्चंस तो होने चाहिए जो डेटा देके कुछ पूछ लेता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कंप्लीट योर ऑल लेक्चर्स टू द, मतलब तुम्हें थ्योरेटिकल लेक्चर्स को अच्छे से करना है, CET में क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, स्पीड हम बाद में डेवलप कर लेंगे, ठीक है। जब फरवरी मार्च का टाइम आएगा उस समय हम लोग स्पीड पे काम करेंगे, मतलब अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि 2 घंटे में आप 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सको। एनीवेज, अब आते हैं हम लोग मैथ्स पर। मैथ्स का देखो ऐसा है कि भैया मैथ्स का लेवल जो है ना अब 2020 के बाद अलग लेवल पर चला गया है, ठीक है। 2020 के बाद पेपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड बनने लगे। अब मुझे भी नहीं पता भाई पेपर इतना हार्ड क्यों बना रहे हैं उन लोग, क्योंकि हो सकता है कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है यार आसान बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अभी भी तुम्हें मैं कुछ चैप्टर के नाम यहाँ पे लिख के देता हूँ जिन चैप्टर से क्वेश्चन आसान आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ना तुम सिर्फ बोर्ड्स का लेक्चर देखो, फिर वो उन चैप्टर के लिए, जैसे पहला लॉजिक्स, दूसरा वेक्टर्स। वेक्टर्स में तुम JEE का लेक्चर नहीं भी देखोगे, CET का लेक्चर नहीं भी देखोगे, बोर्ड का लेक्चर देख के 2-3 क्वेश्चन वेक्टर का सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी चलो तुम्हें डाउट है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, रहने देता हूँ। मैट्रिसेस हो गया, तीसरा ट्रिगो हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी कुछ हार्ड आता नहीं है, ठीक है। वेक्टर को चलो मैं नहीं लिखता हूँ, LPP बहुत ही आसान है। डिफरेंशिएशन का लेवल अब बढ़ रहा है,
एओडी का लेवल अभी भी उतना नहीं बढ़ा है, आएगा तो तुम मतलब 10 में से 5 तो कर ही लोगे, 4 6 तो कर ही लोगे, सातवां इंटीग्रेशन का लेवल बढ़ चुका है अब तो खैर। लेकिन फिर भी जैसे इंटीग्रेशन में तुम्हें 3 क्वेश्चन आया ना, तो उसमें से एक तो तुम कर ही ले जाओगे, सातवां एओडीआई कर ले जाओगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का लेवल अभी भी उतना नहीं बढ़ा है और पीडीबीडी का भी लेवल अभी भी इतना नहीं बढ़ा है। तो मैंने बेसिकली एमएसटी सीटी की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स के चैप्टर्स, फिजिक्स के चैप्टर, सॉलिड स्टेट मतलब केमिस्ट्री के चैप्टर, इन सभी चैप्टर के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं ना उनकी प्रैक्टिस कराता था 19, 20, 21, 22, तो उनमें मैं तुम्हें अच्छी अप्रोच सिखाता था, ठीक है। तो अगर आप एओडीआई का देखना चाहो देख सकते हो, एओडी का देखना चाहो देख सकते हो, बोर्ड पे ही कराया इनको तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप बोलते थे बच्चों बोर्ड्स पे ज़्यादा समझ में आता है, तो बेसिकली इन सभी चैप्टर को मैंने करा रखा है, इनके अलावा जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबको अच्छे से करा रखा है। 1 घंटे का सेशन होता था जिसमें अच्छे से मैं क्वेश्चंस को कराता था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वो चैप्टर जिनमें तुम अगर बोर्ड्स अच्छे से करके जाते हो तो आप सीटी में कर ले जाओगे। तो बेसिकली इन चैप्टर के लिए सिर्फ तुम बोर्ड का लेक्चर देखो। अब जो बचे हुए चैप्टर है ना उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो जेई के लेक्चर्स है ना उनको देख लो। अब जेई के लेक्चर्स में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो लेवल वहीं पर जा चुका है, तुम मानो या ना मानो जेई ने अपने मैथ का लेवल बढ़ाया, तो महाराष्ट्र बोर्ड वाले मतलब हैं ही भाई, कर लिया कॉपी, बढ़ा दिया उन्होंने भी लेवल। तो इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, लाइन प्लेन हो गया, वेक्टर हो गया, इन सभी का लेवल थोड़ा हाई हो गया है, मैं भी मानता हूँ। तो ये कुछ चैप्टर है जिनका तुम जेई का लेक्चर देखना पड़ेगा। तो लिस्ट बना लो, इन चैप्टर को लिखो उनमें जिसमें सिर्फ बोर्ड का लेक्चर देखना है, और बचे हुए सारे चैप्टर तुम जेई वाले में डाल दो। जब भी टाइम मिलेगा संडे को या सैटरडे को या कभी हॉलीडे चल रहा है 5 दिन का, लेक्चर देखो बैठ के, क्या करना है। तो बेसिकली इस तरीके से तुम बोर्ड्स का पढ़ के सीटी को भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि भैया हाँ हमसे इतना सब कुछ कैसे होगा, हम चलो बोर्ड्स का लेक्चर देख लिए, एक्सरसाइज कर लिए, लेकिन पीवाईक्यूज कब करेंगे, क्वेश्चन सेमेस्टी सीटी के कब प्रैक्टिस करेंगे, और एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो देखो एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई फिजिक्स का चैप्टर है तो उससे आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो, बहुत है, मोर देन इनफ है। केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है 100 क्वेश्चन कर लिया, मोर देन इनफ है। मैथ का कोई चैप्टर है तो उससे आप लोगों को मतलब 100 क्वेश्चन कर लिया, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर कोई चैप्टर लाइन प्लेन है, वेक्टर है, तो इनसे 200 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन है तो 200 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन है 200 करना पड़ेगा। मतलब ये वाले जो चैप्टर लिखे हुए ना इनसे तुम अगर 100 क्वेश्चन कर लोगे, ये एक एक्सेप्शन में डाल दो, इससे 200 करना पड़ेगा, और बस बाकी से आप लोग 100 क्वेश्चन कर लो, मोर देन इनफ है। अब आप बोलोगे 100 क्वेश्चन आएगा कहाँ से, बुक होगी तुम्हारे पास, ये बुक नहीं है तो फिर पीवाईक्यू से करो। मैं जब सेशन लेता था 1 घंटे का, तो उस 1 घंटे में मैं 30 से 40 क्वेश्चन यूं ही करा देता था, 32 करा दिया, कभी 37 करा दिया, कभी 50 भी करा दिया, ऐसा चलता था, समझ रहे हो। तो अगर 1 घंटे में मैं तुम्हें 30 से 35 क्वेश्चन करा सकता हूँ, मतलब एक्सप्लेन करते करते लिख सकता हूँ, तो तुम तो 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन कर ही सकते हो। कौन बोल रहा है एक दिन में करने। आज तुमने बोर्ड का लेक्चर अच्छे से देखा और एक्सरसाइज पढ़ी, कल तुम एमएसटी सीटी का क्वेश्चन करने बैठो, 50 कल किया, 50 परसों किया, हो गया एक चैप्टर, 3 दिन में एक चैप्टर हुआ, 16 चैप्टर है, 48 दिन में हो जाएगा पूरा चैप्टर खत्म। 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, 1.5 महीना 1.5 महीना 1.5 महीना 4.5 महीने में सिलेबस खत्म, आ गया 99.9% कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा कितने घंटे पढ़ना है ये भी डाउट आता है कुछ लोगों को। तो देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोर्ड्स के लिए बताया था, अगर आप बोर्ड्स की सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो 4 घंटा इनफ है, लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटी एग्जाम देन यू हैव टू स्टडी फॉर 5 आवर्स, ठीक है, 1 घंटा ऐड कर लो, उस 1 घंटे में तुम वो सीटी के क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश करो अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाओ सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फास्टर। और बाकी जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तो उस समय हम लोग कुछ कोर्स लाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि सीटी के लिए कुछ कोर्स लॉन्च करो, सीटी के लिए कुछ कोर्स लॉन्च करो, तो करेंगे हम लोग लॉन्च, लेकिन सही वक्त आने पर करेंगे, ठीक है। अभी सही वक्त नहीं आया, सही वक्त आने पे मैं खुद आपको बता दूंगा कि अब सही वक्त आ गया है, आओ बचा हुआ काम अब निपटाया जाए, ठीक है। ओके सो प्रिपरेशन करते रहिए, थैंक यू सो मच।